मुल्क हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मुख्तलिफ रस्म व रिवाज को साथ लेके चलते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्मों के अदियान बसे हुए हैं, मुख्तलिफ किस्मों के मज़ाहिब बसे हुए हैं। सब अपने अपने रस्म व रिवाज को अच्छी तरह अदा करते हैं। इसी में रहने वाले गरीब भी है, अमीर भी है, फ़कीर भी है। जो गरीब है वो मुख्तलिफ जगह में जा कर के काम करते हैं, मजदूर करते हैं और अपने रोज़ी रोज़गार के लिए मुख्तलिफ ज़िलों में हिजरत करते हैं और मुख्तलिफ रियासतों में जा कर के काम करते हैं। 2011 के डाटा सेंसस के मुताबिक हिंदुस्तान आबादी की कुल तादाद 130 करोड़ से भी ज़ायद था, जिसकी बढ़ोतरी की वजह से लोग मुख्तलिफ रियासतों में काम की तलाश में बिखेर गए। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? एक बार उन्हें भेजो। आप यहाँ कॉन्ट्रैक्टर हैं क्या? तो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं। बंगाल से आ रहे हैं? सब कोई बंगाल से आ रहे हैं? अच्छा, तो आपका क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग? आपको पैसा कितना मिलता है? इतना दूर से आए हैं और पैसा कितना मिलता है आपको यहाँ से? पैसा मिलता है दिन में 500 के लिए। बंगाल से यहाँ चलने आए हैं काम करने के लिए? बंगाल में काम नहीं है आपको? बंगाल में है काम, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं है। हम लोग घर में पैसे चाहिए, घर नहीं चलता है। सबसे ज्यादा कसीर तादाद में हिजरत करने वाली रियासतों का नाम दिल्ली, गुरुग्राम, भोपाल, इंदौर, मुंबई, गौतम बुद्ध नगर, त्रिवल्लूर, चेन्नई। हिजरत करने वाले मजदूर मुख्तलिफ किस्मों के मशक्क़त व मशाकिल का सामना करते रहते हैं, जिसमें हमारी बहुत बड़ी मिसाल है 2019 से लेकर 2020 का फैली हुई वबा, जो सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि तमाम ममालिक में फैली हुई थी, जिसके वजह से बहुत सारे मजदूर अपने अपने जगह में अटक गए और घर तक ना आ पाए। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं अभी? बंगाल से आ रहे थे, अभी काम कर रहे थे तमिलनाडु में। तो अभी आप लोग घर के लिए जाएंगे जी? तो आप लोग को गाड़ी वगैरह नहीं मिला? कुछ भी अभी नहीं मिला। तो आप लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं जी? तो क्या आपको अब तक गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट वगैरह नहीं मिला? कुछ भी सपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं मिला। कोई ट्रांसपोर्ट सपोर्ट नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट कोई स्टाफ भी नहीं ले रहा है। तो आपको अभी गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए? जी चाहिए। ठीक है। कितने सारे ऐसे भी मजदूर थे जो घर आने की कोई वसीला मुयसर ना होने की वजह से देहात में छोटी छोटी घरों में बस गए और वही अपने जाए मकाम बना लिया। रात को कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? तमिलनाडु से आ रहे हैं। इतने रात को? हम लोग को लॉकडाउन पड़ गया, हम इधर काम करने के लिए आए थे, लॉकडाउन पड़ गया, हम लोग को खाना वगैरह कुछ नहीं मिला। तो अभी आप लोग जा रहे हैं किधर? हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इधर बहुत से वो हम लोग का परेशान हो रहा है, परेशान हो रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। तो पैदल चल के जाएंगे आप लोग? जी, हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है, गाड़ी बस वगैरह कुछ भी नहीं। आप लोगों के साथ खाना पीना वगैरह खत्म हो गया? रास्ते में दुकान वगैरह खुला नहीं मिला? दुकान खुला रहता है लेकिन नहीं देता है।